सो दोस्तों नमस्कार सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका अपने चैनल टी एस कैटल वर्ल्ड ट्रैवल वर्ल्ड पे। सो दोस्तों ये है जी हमारा कॉटेज, ये हमारा फ्लैट है, कॉटेज है हमारा। आज हम लोग जा रहे हैं अपने ओवरलैंडिंग मीटअप्स पे, गुमक्कड़ बस के मीटअप पे जा रहे हैं। सो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। 5 बज चुके हैं शाम के। आज हम लोग देहरादून से निकल रहे हैं। 5 बजे हम लोग, मेरे साथ जा रहे हैं तूर साहब। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से देहरादून से अपने फ्लैट से। अभी 6 महीने। सो दोस्तों हम लोग इस वक्त काला डोंगी से निकल रहे हैं, जो जिम कॉर्बेट का जंगल है। सो उसी में से गुजर रहे हैं। टाइम हो गया 11:34 हो गए हैं। तो ये देखते हैं अगर कोई जंगली जानवर दिखाई देगा, बाघ वगैरह। वैसे तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि उनका टाइम होता है बाघ का निकलने का 8 से लेकर 9:30 के बीच। सो दोस्तों इस वक्त हम लोग नैनीताल वाले रोड पर आ गए हैं। बहुत सुनसान सा रोड है यार, कोई आ जाना भी नहीं रहा, हम लोग अकेले ही हैं बस। जगह जगह पे वार्निंग लगी हुई है जानवरों की। दोस्तों इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। ये है जी नैनीताल की जो मेन लेक है। नाइट व्यू देखिए इसका, ये पूरी जो आप देख रहे हैं लाइटें, ये लेक के बीच में शेडो पड़ रही है लाइटों की। वो सामने जो जो आपको दिख रहा है वो पार्किंग उस तरफ है। पूरा नाइट व्यू है ये। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है सुबह का। तो यार जंगलों में ना, पहाड़ों में आग लगा दी हुई, लोगों ने ना आग लगी हुई है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे कैंपर भाइयों आप ध्यान रखो, जहाँ भी आग जलाते हो उस आग को उसी वक्त बुझा दिया करो। देखो कितना खूबसूरत सुबह का नज़ारा है। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, टाइम भी अभी हुआ है 7 बजने वाले, 6:49 हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। छोटा सा गांव है गागर नाम का, छोटा है पता नहीं बड़ा है भाई। यहाँ से शुरू हुआ है रामगढ़, 3 किलोमीटर है। रामगढ़ वालों हम आ रहे हैं। लखुआ खान 20 किलोमीटर कितना भी। एक सुबह सुबह मैं आपको नजारा और दिखाता हूँ। वो
सामने पर दिखाई नहीं दे रहा, आगे रुक के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा है अभी, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। चलो चलिए आगे चलते हैं और आपको और खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। नहीं, मेरी कल बात हुई थी उससे, उससे मेरी बात हुई है करीब 7-8 बजे, तो वो ठीक है, वो मर गए। सो दोस्तों ये आप देख रहे हैं गुलदार का पेड़, ये गुलदार है, ये रेड कलर का है, इसके इसे ना रेड कलर के फूल लगते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा सा है यहाँ पर, ये देखिए ये है बिल्कुल रेड कलर के, सुबह रेड कलर का फूल होता है इसका, और इसका ना यूज बनता है स्केश। और इसकी एक हिस्ट्री ये है कि अगर ये समय से पहले खिल जाता है, अप्रैल महीने से पहले फूल खिल जाते हैं, तो मौसम में चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है मौसम में, हल्का नहीं बहुत बड़ा, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। और इसका जो जूस बहुत अच्छा होता है, और पहले समय में जो लेडीज, यहाँ की लेडीज हैं अभी भी, वो इसके फूलों को मसल के अपने पैरों के नीचे जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं वैसे लगाते हैं, इससे कुछ बॉडी को आराम मिलता है, कुछ ऐसा मैंने सुना था लोकल लोगों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुलदार का पेड़ है। रोड का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत व्यू, यहाँ पर ना कैंपिंग साइट बहुत है इस तरफ, अगर आप कैंप वगैरह करना चाहते हो तो आ सकते हो आप यहाँ पर ना, नथुआ खान की तरफ रास्ते में काफी कैंप साइट्स हैं। तो दोस्तों नथुआ खान की तरफ जो ब्यूटी, बहुत खूबसूरत दृश्य जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, पहले भी दिखाया हमने, मैं क्योंकि जो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना लोकेशन, मैं उसी के बारे में बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए। इस तरफ कैंप साइट भी बहुत है, रिजॉर्ट भी बहुत है, और बहुत खूबसूरत एरिया है। अभी जो आपने पहले यहाँ देखा है वो यही वैली है। एक तो ये सामने होटल है कोई विन क्लिफ ऑरिचर्ड रिसोर्ट, यहाँ से क्या व्यू नज़र आता है जी, पूरी वैली का व्यू नज़र आता है इस होटल से सामने। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ आना चाहे तो आइए, आपका समय और पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब। सो दोस्तों इस वक्त मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, लेटी बुंगा करके नाम का कोई गांव है ये, यहाँ काफ़ी खुली ग्राउंड सी आप देख सकते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और
एक हमारे अनफोल्ड जर्नी वाले फ्रेंड्स आ चुके हैं यहाँ पर, और दूसरी गाड़ी हमारी आ चुकी है और हमने गाड़ी लगा ली है यहाँ पर। तो अभी अपना सेटअप रेडी करते हैं, पूरा ऑनिंग वगैरह लगाते हैं, खोलते हैं अपना पूरा रेडी कर, थोड़ी गाड़ी भी यार साफ़ करनी, बहुत गंदी हो गई है। तो चलिए अपना ऑनिंग वगैरह ओपन करते हैं, सेटअप लगाते हैं, फिर आराम से बैठ के चाय वगैरह बनाते हैं। देखिए भाई, कपल जी आ गए हैं और दो गाड़ियां और आ गई तीन हमारे साथ में, सभी आ रहे हैं करके, सभी पहुंच रहे हैं। सो देखिए भाई, धीरे धीरे करके सभी गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, और मेन बात यह है यार कि थोड़ा देखिए आप, मौसम कितना ख़तरनाक हो गया है, बिजली लश्क रही है और बारिश, पीछे तो पता चला है कि भाई बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है पीछे, और बस बारिश का नाम मतलब तूफान आ जाए चाहे कितना मजा आ जाएगा। हम ना गांव वाला आइडिया बरत लेंगे, थोड़े से माल लेकर दबा देते हैं नीचे के। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी माहौल पूरा बदल चुका है, बारिश होने लग गई है और ओले गिर रहे हैं। देखिए इन गाड़ी के ऊपर, देखिए ये ओले गिरने शुरू हो गए हैं, और वह छोटा सा बेबी देख रहा है, हेलो स्माइल दे रहा है। वो देखिए उधर कितनी आवाज आ रही है ओले गिरने की, इधर गाड़ी के ऊपर देखिए मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं। और यार चलो थोड़ा सा गिर के बंद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा यार सेटअप खराब हो जाएगा सबका। सो देखिए दोस्तों, गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है, हिंडौरी भी आ गए हैं, ये अपने इको स्पोर्ट वाले भाई साहब कोई आए हैं, और ये हिंडौरी जी आ गए हैं अपने नेचर एक्सप्लोर वाले भी आ गए हैं, भाई थोड़ा साथ साथ करके लगा लो। हंडोरी भाई कैसे हो? शलवीर जी हम तो आपको जानते हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ आपको, बाजी ने आवाज लगा दी हंडोरी भाई के नाम से। ठीक है, और ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। गाड़ी है ना थोड़ी अपनी, बस विंडो ओपन होती देखकर थोड़ा साथ साथ लगा लो, है ना? हाँ मैं इधर भी, नहीं तो फिर पता क्या, फिर दोबारा वो आएंगे, फिर इधर उधर कराते रहेंगे। ये तूर साहब है हमारे। अच्छा जी। सो भाई देखिए, अभी ऊपर भी काफी गाड़ियां हैं, 80 गाड़ियों का दूसरा हुआ है बुकिंग, वो सारी देखे इस ग्राउंड में आ जाएंगी धीरे धीरे। ये हमारे पांडे जी आ गए हिमाचल से। नमस्ते, कहाँ लगानी है? यहाँ लगानी है तो आ जाओ। सो देखिए भाई, हमारे कपमैन आ गए हैं, ये है जी हमारे कैंपिंग की जान, जान शान कपमैन, चाय की आन। कोई सुपरमैन अमेरिका के पास सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, हमारे पास कपमैन है। और आज मेरे को नया नाम दे दिया डोरेमोन, कहते जो कुछ चाहिए होता है तेरे तू यूं निकालता है और निकाल देता है किसी को कुछ चाहिए है जी। सो भाई, सो दोस्तों देखिए, ये है जी हमारा कैंपिंग स्पॉट, अभी 360 व्यू देता हूँ आपको, यहाँ बहुत खूबसूरत म्यूजिक बज रहा है नेचर का, कोयल का, कोयल बोल रही थी यहाँ पर अभी। सो दोस्तों देखिए भाई, हमारा सेटअप तकरीबन 70% को लग गया है, और अभी मैं बना रहा हूँ चाय, ये हमारी ऑनिंग वगैरह लग गई है, सब कुछ हो गया है। तो अभी यार थोड़ी सी ना बॉडी में एनर्जी ले आए, थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर चाय, तो सब चाय बनाए थे, कॉफ़ी बनाने ले आओ। तो प्लान चेंज हो गया जी, कॉफ़ी बनाते हैं और बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। फिर बंद कर दूँगा कॉफ़ी करता। तो लीजिए भाई अमूल का दूध। लीजिए भाई हमारी जाग वाली कॉफ़ी तैयार है, नेस्कैफे। चल दी नहीं है। तो लीजिए भाई हमारी कॉफ़ी रेडी है, और साथ में है कोकोनट बिस्किट। लीजिए भाई प्लेट वगैरह हमने निकाली नहीं यार, क्योंकि
वो इतना लंबा चौड़ा ताम जाम करने की हिम्मत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है पे। चीयर्स। लो सर। बिल्कुल आ रहे हैं। भाई बाबा हैप्पी बर्थडे। देखिए कैसे यहाँ पे कम्युनिटी हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहा है। किसी सज्जन का यहाँ बर्थडे है और इस कैंपिंग के पूरे माहौल में उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, और जो मेरे दोस्त नए आए हैं भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दोस्तों ये पार्टी तकरीबन रात 12:30-1 बजे तक चलती रही। सो क्योंकि मैं आपको ये म्यूज़िक सुना नहीं सकता, पीछे इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं सुना सकता, तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हमने दूसरे दिन इस कैंपिंग फेस्टिवल में क्या क्या किया और क्या क्या धमाल मचाई। सो प्लीज़ बने रहिए टीएसके ट्रैवल वर्ल्ड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।